नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस्माइल अंसारी और आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य खबरों की तरफ। पावर हाउस रायबोझा अवर अभियंता की लापरवाही, क्षेत्र ग्रामीणों को पर रही भारी। जिब्राइल खान की रिपोर्ट, कई बार हादसा होने के बाद भी 11 की वी हाई टेंशन तारों की नहीं हुई सुधार और न तो पीड़ित को किसी प्रकार मुहैया करवाई गई सुविधा। मामला उत्तर प्रदेश बहराइच जिला के पावर हाउस रायबुझा के अंतर्गत ग्राम पंचायत विश्वनाथ गांव के मजरा गोसाई गांव का, जहां पर आज दिनांक 6 मई शाम लगभग 6 बजे एकाएक करके 11 के वी हाई टेंशन तारों से 3 भैंसियों की जान चली गई। 11 के वी हाई टेंशन तार की ऊंचाई लगभग 3 से 4 फीट ऊंचा होने से हुआ हादसा। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक यहां पर 3 से 4 बार हादसा होने के बावजूद भी अभी तक 11 के भी हाई टेंशन तारों का कोई सुधार नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने बड़े हादसा होने के बावजूद पावर हाउस रायबोझा अधिकारी यहां देखने तक भी नहीं पहुंचे। आज भी अवर अभियंता की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। घटना घटित होते समय काफी ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों का कहना है 3 भैंसियों के एक साथ हादसा नहीं बल्कि 10-10 मिनट के फसले पर होता रहा है। पहली गंस को करंट लगने के बाद अवर अभियंता को संपर्क के माध्यम से जानकारी दी गई। ठीक उसके 10 मिनट बाद दूसरी गंस दौड़ते हुए जैसे 11 के विकार के नजदीक पहुंची, उसको भी करंट लग गई और वहीं पर ही दम तोड़ना पड़ा। फिर ग्रामीणों द्वारा अवर अभियंता के पास दोबारा फोन किया गया, फिर अवर अभियंता द्वारा लाइन कट जाने का आश्वासन दिया गया। ग्रामीण जब धीरे धीरे वृद्ध भैंस के करीब पहुंचे तो ठीक उसी समय तीसरी जन सभी मंडराते हुए वहीं पहुंच गए। वे भी करंट की चपेट में आकर वहीं दम तोड़ दिए। लोग अवर अभियंता के पास फोन करते रहे और अवर अभियंता द्वारा सिर्फ आश्वासन ही मिले, न तो पावर हाउस का कोई अधिकारी वहां पहुंचे और न तो स्वयं जेई साहब बिजली विभाग के किसी भी अधिकारी के न पहुंचने की वजह से ग्रामीण काफी आक्रोश में है। ग्रामीण का आक्रोश होना भी लाजमी है। कई बार हादसा होने के बावजूद ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई, ये भी बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है। यहाँ पर बहुत नजदीक में है और यहाँ कई घटना हो चुके हैं कि एक लड़का भी मर चुका है, एक सांड भी मर गया है और 3 भैंसी आज मर गई, 2 बैल भी मरे। ये तार जो है तो ऊपर किया जाए, इसका जो है देख रेख किया जाए। जो पहले घटना हुई है कि इसके तो ये सब डीजन मतलब डीजन में दिया गया, हमें तो पता नहीं है कि जी जानकारी गिराया जाए। इसकी सर घटना का नाम है, लड़का एक स्टूडेंट हुआ इसी जला करंट से, उसका का नाम दिया गया। फिर वहीं चली आज 10 मिनट हो गया, 2 मीटर 1 मीटर तार है, इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा। यहाँ बराबर घटना होती रहती है, एक सांड भी मरा, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो कंकाल पड़ा है सांड का ही है तो जे साहब मतलब अभी भी लाइन कटी है नहीं कटी है? अभी पता नहीं लाइन कटी है कि नहीं कटी है, कोई आया भी नहीं है। ये घटना घटी हुई लगभग कितनी देर हुई? ये घटना घटी हुई मुश्किल से 10 मिनट चुका है। हमारी भैंस मर चुकी है, मेरे बाप की सियाराम नाम है और फोन के जे के पास भी लाइट नहीं कटी हुई, 3 भैंस मर चुकी है। इससे पहले 5-6 कांड हो चुके हैं, कोई जे का पता है लेकिन कोई ना इंक्वायरी नहीं। ऊँचे ही नहीं बढ़ाएगी, खाली सुन लेते हैं कि बात कुछ नहीं होती, कहते हैं बात हो जाएगी बाद में।